अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं मेहर असलम और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। बात करते हैं पीएसएल 6 के बारे में मैच की, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें, शुक्रिया। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड की। दोनों टीमें अब तक 11 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 7 में कोटा ग्लैडिएटर बल्कि 4 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को कामयाबी हासिल हुई है। बात करते हैं अभी की, दोनों टीमें अपने 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं। इस्लामाबाद ने अपने पहले 2 मैच जीते बल्कि तीसरा मैच हारा। इसके बरक्स कोटा ग्लैडिएटर अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। सबका रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो कोटा ग्लैडिएटर्स एक मजबूत टीम है, लेकिन इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं। तो फ्रेंड बात करते हैं मुमकिन प्लेइंग 11 की, दोनों टीमों की। पहले बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल होंगे फिल सैल्ट, एलेक्स हेल, शदाब खान, हसन तलत, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, इफ्तखार अहमद, हसन अली, अहमद सफ़ी, अब्दुल्ला, मूसा खान, लुइस गेगरी। जबकि कोटा ग्लैडिएटर में टॉम बेंटन, कैमरॉन डेलपोर्ट, फास डिप्लूसी, सरफराज अहमद, आजम खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हसन, नसीम शाह, जाहिद महमूद, डेल स्टेन, आरिश अली खान। तो फ्रेंड्स ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। हो सकता है कल का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाए, क्योंकि उनके सभी प्लेयर्स फॉर्म में हैं। इसके बरक्स कोटा ग्लैडिएटर्स अब तक अपना कोई मैच नहीं जीत सकी, तो कुछ कहना वक्त से पहले बहरहाल ठीक नहीं होगा। देखते हैं कल कौन अच्छी परफॉर्मेंस देकर ये मैच जीतता है। तो हम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।